सराईपाली में रथ यात्रा कार्यक्रम के दौरान चाकू मारकर नाबालिग युवक की हत्या कर फरार हो गए आरोपी को पुलिस ने 18 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया है। सराईपाली में शुक्रवार को महलपारा में रथ यात्रा चल रहा था, जहां दो नाबालिग लड़के एक युवक से टकरा गए। उसके बाद नाबालिग लड़कों ने युवक से माफी भी मांगा, किंतु वह सनकी युवक गणेश जायसवाल ने पूरे भीड़ भाड़ जगह पर ही नाबालिग लड़का दुष्यंत चौहान को चाकू मार दिया था, जिसे नाबालिग की मौत हो गई थी। फिर आरोपी मौके से फरार हो गया था। रात भर सराईपाली में नगरवासियों ने चक्का जाम किया। एसडीओपी को ज्ञापन सौंपे गए। पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए लगभग 18 घंटे के अंदर रायगढ़ जिले के ग्राम खैरगढ़ी से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अपने रिश्तेदार के घर छुपा हुआ था। पुलिस के पहुंचने से पहले ही मोटरसाइकिल से भागने के फिराक में था, किंतु पुलिस ने घेराबंदी कर उसे दबोच लिया। उसे भागने में सहयोग करने वाले सराईपाली निवासी योगेश जायसवाल और आश्रय देने वाले खैरगढ़ी निवासी विग्रेश कुमार महापात्र को भी गिरफ्तार किया गया है। भीड़भाड़ जगह में खुलेआम चाकू मारकर हत्या करने वाले आरोपी गणेश जायसवाल को पुलिस ने हथकड़ी लगाकर सराईपाली की सड़कों पर घुमाया है। आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिले, इस मांग के साथ नगरवासी थाने का घेराव कर दिए थे। मौत हो गई थी, जिसको लेकर बड़ी कार्रवाई हुई है, क्या पूरा मामला? कल रात लगभग 8:30 बजे की घटना है, राजमहल मैदान के पीछे सराईपाली में। मृतक अपने दो दोस्तों के साथ आ रहा था और आरोपी उसका एक और साथी था, वो दोनों मिलके आ रहे थे और दोनों में आपस में किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा वाद विवाद हुआ। और जो आरोपी है गणेश जायसवाल, इसने चाकू रखा हुआ था और उसने चाकू निकाल के मृतक का दोस्त है विकास आदित्य उसके पैर पर मारा, जिससे उसको चोट लग गई और मृतक को भी उसने चाकू से वार किया, जिससे कुछ देर बाद हॉस्पिटल ले जाने के बाद मृतक की मौत हो गई थी। हत्या का कोई स्पष्ट कारण नहीं है। आपस में लड़ाई होने के बाद आरोपी द्वारा अपने पास जो चाकू रखा था उससे मृतक की हत्या की गई। आरोपी चाकू कहाँ से ले गया था? आरोपी के पास पहले से चाकू था। किन धाराओं के तहत अभी कार्रवाई की जाती है? इसमें पहले तो मर्ग पंचनामा करके पीएम किया गया है और इसमें आगे 302-201 आईपीसी के तहत एफआईआर लिया जा रहा है। बने जिला प्रमुख व ब्लॉक प्रमुख रिपोर्टर और पाए मौका प्रदेश की सबसे बड़ी न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज के साथ जुड़ने का। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।